हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पोम्पा आज आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक फेशियल ट्यूटोरियल लेके। आज की जो फेशियल ट्यूटोरियल है वो है एरोमा मैजिक की ब्राइडल ग्लो फेशियल क्लिट। ये ब्लॉसम कॉचर की है और ब्लॉसम कॉचर की हर एक प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो पर्सनली, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस फेशियल की रिजल्ट और उसके साथ साथ ट्यूटोरियल जैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिला है 7 सैचेट, मतलब 7 पाउच में आती है इसकी पूरी रेंज और उसके साथ एक एम्पूल भी मिला है। तो ये है हमारी मॉडल की स्किन और कम्प्लेक्शन, आप लोग देख सकते हैं बहुत फेयर नहीं है, थोड़ी सांवली है। तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा थोड़ा डार्क स्किन है तो क्या फेशियल करूँ, तो आज आप लोगों के सामने ये मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो ये है स्टेप नंबर 1, यहाँ पे है क्लेंजर। पाउच में जितना भी क्लेंजर है मैंने पूरा ले लिया, क्योंकि ये पूरी जो रेंज है ये किट पूरी एक फेशियल के लिए है, इससे दोबारा नहीं हो सकता है। तो पूरे क्लेंजर को फेस में अप्लाई कर देना है और जनरल स्ट्रोक के साथ मसाज करते हुए आपको डीप क्लीन करनी है, फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग करनी है। और इसकी MRP है 190, लेकिन ये डिस्काउंट में मिल जाता है, कहीं से भी आप ले शॉप में या ऑनलाइन तो इसका डिस्काउंट मिल जाता है। और ये फेशियल किट ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप ऑयली स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और ड्राई स्किन के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लेंजिंग हो रही है, तो क्लेंजिंग में जैसे आप लोग देख रहे हैं हम थोड़ा बहुत मसाज स्ट्रोक के साथ जनरल मसाज दे रहे हैं और उसके साथ 2 से 3 मिनट हमें यहाँ पे क्लेंजिंग का मसाज देनी है और उसके बाद फेस को क्लीन कर लेना है। सेकेंड स्टेप के तरफ बढ़ने के पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट करके मेरे साथ रहिएगा। और अगर मेरे चैनल के आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ ही जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ आपके वैल्यूएबल कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों के हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के हर एक कमेंट के आंसर भी देना। तो यहाँ पे हमारी क्लेंजिंग हो गई है, तो इसको हम लोग वाइप आउट कर देंगे, पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद आ रही है कि सेकेंड स्टेप की बारी, ये है एक्सफोलिएटिंग जेल। तो इसमें कुछ ग्रैनुल्स नहीं है, ये जेल फॉर्म में है, तो इसके साथ आप थोड़ी बहुत मसाज भी दे सकते हैं। ये स्किन पॉलिशर का काम करते हैं, इसके साथ हमारे जो डेड स्किन के लेयर है वो बहुत अच्छे से स्किन से रिमूव हो जाएंगे, मतलब स्किन से हट जाएंगे। और इसको पूरे फेस में अप्लाई करनी है और उसके बाद जनरल स्ट्रोक के साथ और बहुत ही जेंटली मसाज करके इसको हमें 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है और उसके बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। तो इस फेशियल किट में जो हमें एक्सफोलिएटिंग जेल मिला है, मैंने पहले भी कहा है यहाँ पे कोई ग्रैनुल्स नहीं है, तो इसके लिए बहुत आसानी से ये मसाज हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही जनरल स्ट्रोक के साथ 2 से 3 मिनट जैसे मैंने कहा है वैसे मसाज करनी है, नोज़ के एरिया में थोड़ा ज़्यादा और माउथ एरिया में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि माउथ एरिया थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं, पैची हो जाते हैं, स्किन कलर डिसकलरेशन होती है स्किन का, और उसके साथ साथ हमारे नोज़ एरिया। तो यहाँ पर हम लोग जनरल स्ट्रोक दे रहे हैं। माउथ एरिया में क्रिस क्रॉस करके और जैसे मैंने कहा है माउथ एरिया में प्रेशर पॉइंट भी हमने डाला है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रैनुल्स नहीं है, फोरहेड में नोज के साइड में ऐसे मसाज करते हुए आपको 3 मिनट करना है, उसके बाद इसको वाइप आउट करनी है। हमारे जो फोरहेड होते हैं वो भी बहुत डल लगते हैं और यहाँ पे भी स्किन का लेयर बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो फोरहेड में भी ऐसे आपको मसाज करनी है। तो करके फोरहेड से भी हमारे जितने रेड सेल के लेयर है उसको भी हटाना है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वाइप आउट, तो इसको क्लीन कर रहे हैं। अब बारी है स्टेप नंबर 3 की, जहाँ पे हमें मिला है एक एम्पूल और एम्पूल में है एक सेरम।
तो सीरम को हमें पहले स्किन में बहुत अच्छे से अप्लाई कर देनी है और उसके बाद इसको हल्के हाथों से क्लैपिंग करके और नहीं तो अपने हल्के हाथों से मसाज करके इसको पूरे फेस में पेनिट्रेट करवाना है। पूरी सीरम जो है वो फेस में एब्जॉर्ब हो जाए वैसे हमको मसाज करके इसको बिठा देना है स्किन के ऊपर। ये किट मुझे मिली है 170 में मिला है। इसका प्राइस था, मैंने पहले भी कहा है 190, लेकिन मुझे मिला है 170 में डिस्काउंटेड रेट में। लेकिन बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। जैसे बहुत टाइम होता है हम लोगों का पॉकेट फ्रेंडली बजट में आने वाला कोई किट चाहिए होता है, तो आप इसको 170 में बहुत अच्छे से इस फेशियल को आप लोग घर में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ग्लो आया है वो भी काफ़ी अच्छा ग्लो आया है, इसका उम्मीद नहीं थी मुझे इतना अच्छा ग्लो आया है। अब पारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में है नरिशमेंट क्रीम और मसाज क्रीम, मतलब मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम से हमें अभी करनी है मसाज। अच्छा, उससे पहले सीरम को भी हमें बिठाने के लिए 2 से 3 मिनट लगा था, तो 2 से 3 मिनट के अंदर सीरम स्किन में एब्जॉर्ब हो गया था। तो अभी मसाज क्रीम को लेके पूरे फेस में अप्लाई कर देनी है। जैसे मैं हर एक फेशियल ट्यूटोरियल में बताती हूँ, पहले पूरे फेस में उसको अप्लाई कर देनी है और उसके बाद इसकी मसाज स्टार्ट होती है। नेक से लेके अपवर्ड मोशन में हमें मसाज करनी है और पूरे फेस में पहले जनरल स्ट्रोक और उसके बाद हम लोग प्रेशर पॉइंट देंगे और जितने भी आप ट्रीटमेंट जो मसाज स्ट्रोक होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो आप लोग मसाज को देखते रहिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब जनरल स्ट्रोक के साथ साथ हम लोग अभी देंगे नोज़ के साइड में थोड़ा ज़्यादा मसाज देंगे और उसके साथ आईज के नीचे से ऐसे हम लोग हाथ घुमाएंगे, गोल गोल करके ऐसे मसाज देनी है। इससे क्या होंगे, अंडर आई में अगर कोई डार्क सर्कल्स है या आँखों में पफिनेस है वो कम हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, ये प्रेशर पॉइंट नंबर 1, ये है 2 और यहाँ पे है नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और यहाँ पे 7 और उसके साथ साइड में 8, 9 है, वो हम लोग बाद में दिखाएंगे। हम लोगों को फोरहेड में भी ऐसे मसाज करनी है, अगर कोई भी फाइन लाइंस है तो वो कम हो जाएंगे और फाइन लाइंस नहीं है तो वो आने की चांसेस कम होती है। आईज के ऊपर उंगली रख के गोल गोल ऐसे धीरे धीरे हाथ को घुमाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। गालों के साइड से ऐसे 4 उंगली से ऐसे मसाज करनी है, इससे क्या होगी हमारे गालों में जो सैगिंग आ जाती है वो नहीं होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे मसाज दे रहे हैं जनरल स्ट्रोक के साथ साथ। ये मसाज हमें 10 मिनट्स तक करनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोग 5 से 7 मिनट कर सकते हैं, अगर ड्राई स्किन है तो 10 मिनट्स मिनिमम करनी ही है। कैसे देखिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये पूरी अपलिफ्टिंग मसाज है, इससे स्किन में सैगिंग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा फर्म होती है। तो ऐसे दोनों साइड में हम लोग ऐसे अपलिफ्टिंग मसाज कर रहे हैं। अपने हाथों से पूरे फेस को होल्ड करके दोनों उंगली से आंखों के साइड से आपको ऐसे मसाज करनी है और नेक में ऐसे अपलिफ्टिंग मसाज करनी है। नोज़ के ऊपर भी हमें मसाज देनी है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि नोज़ में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा जमते हैं, तो इसलिए मसाज थोड़ी ज़्यादा देनी है। और 5 उंगली को अपने फेस के ऊपर रख के हल्के हाथों से आपको खींच के ऊपर की तरफ लेनी है, तब आपके स्किन फर्म होंगे। और ऐसे हमारे जो मुट्ठी होते हैं ना, मुट्ठी के जो पिछला हिस्सा होता है उससे आपको पूरे फेस में मसाज करनी है। हमारा 10 मिनट का मसाज कंप्लीट हो चुका है। आप फेस को थोड़ा सा वाइप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ऐसे क्लीन कर लेंगे, एक्सेस जो हमारी क्रीम है वो निकल जाए, और उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा डैब डैब करके इसको क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद पोमोडोल से हम लोग ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर लेंगे। तो इनका ड्राई स्किन है इसलिए मैंने इस फेशियल में भी स्टीम नहीं दिया है। तो यहाँ पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। तो इसको रिमूव करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे पैक, और बहुत अच्छे से और धीरे धीरे आप लोग
ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होती है तो इसलिए थोड़ा धीरे से। और यहाँ पे 5 नंबर में आती है फेस पैक, और ये नॉन ड्राइंग फार्मूला में बनी है, तो इसको बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई कर देनी है और इसको हमें रखनी होगी 10 to 15 minutes। तो हम लोग यहाँ पे पैक को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अपवर्ड मोशन में हमें हर एक चीज़ को अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे पैक को भी हम लोग अपवर्ड मोशन में ही अप्लाई कर रहे हैं। और पूरी फेस में फेस पैक अप्लाई करने के बाद दो हम लोग कॉटन पैड लेंगे और उसमें ठंडा रोज़ वाटर मिला के आँखों के ऊपर रख देंगे। तो ये ठंडा रोज़ वाटर के पैड रखने से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है, तो बहुत अच्छा महसूस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट्स हो चुका था पैक लगाने के बाद। गीले हाथों से हमने थोड़ा मसाज कर लिया है, मतलब पैक को गीला कर लिया है, उसके बाद वाइप आउट कर लेंगे। अब है स्टेप नंबर 6, ये है एक हाइड्रेटिंग जेल। तो ये हाइड्रेटिंग जेल मतलब स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन में नमी बरकरार रखेगा। तो इस जेल को भी अप्लाई करके हमें 2 से 3 मिनट लगेगा इसको पूरा पेनिट्रेट करवाने के लिए। तो ये जब एब्जॉर्ब हो जाए तब भी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के तरफ। और एक ही स्टेप हमारा बाकी है, वो है सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर फेशियल यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब भी आप लोग करें रात में या दिन में फेशियल, तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने डेड सेल के जो लेयर होते हैं हमारे स्किन के ऊपर उसको हमने हटा दिया है। अब जो हमारी स्किन में स्किन की जो लेयर है वो होती है एकदम नया सेल, मतलब न्यू सेल होती है। तो ये स्किन में बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशन मेंटेन करनी पड़ते, इसमें हाई लाइट ना पड़े, सन रेज ना पड़े, ये डैमेज ना हो। तो हमारा फेशियल यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हो कि ग्लो कैसा आया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आफ्टर फेशियल 24 आवर्स तक आपको फेस वॉश और क्लेंजिंग मिल्क का यूज़ नहीं करना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इस फेशियल की रिजल्ट, बहुत ही अच्छा स्किन में ग्लो आई है। तो मिलती हूँ नई किसी ब्यूटी टिप्स के साथ, ब्यूटी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।